हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ हबी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी है एंड यहाँ दो आंटी आए हुए हैं मदद मांगने के लिए। एंड मैं वही उन दोनों के साथ बात कर रही हूँ कि क्या हुआ है, मतलब क्यों आए हैं मदद के लिए ऐसा ना। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा मदद चाहिए उन लोगों को, तो मैं मेरे से जो हो पाया उतना ही मैं मदद कर सकी। ये थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन उन लोगों के मदद में आ जाए तो यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा ये छोटा सा अमाउंट उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगी, मुझे पता है। लेकिन हाथ में क्या बोलूँ, मैं अभी हाथ में कैश भी नहीं था तो मैं क्या करती। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि थोड़ा और देती तो अच्छा होता उन लोगों को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी मैंने बोल दिया कि आप लोग शाम को आइए फिर से, तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इतने में से ही हो जाएगा ये वो। तो वही सारी चीज़ है ना, तो मन बहुत ही लग रहा था कि थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर पाती तो अच्छा होता। कोई ना, तो वही सारी चीज़ें रहता है ना, कभी कभी आपका मन चाहता है फिर भी आप कर नहीं पाते उतना ज़्यादा हेल्प, है ना। तो और आंटी ने मेरे को आशीर्वाद भी किए, लेकिन क्या आशीर्वाद किए मुझे समझ में नहीं आए, फिर भी मैंने कहा तो आज लंच में बनाया जा रहा है पम्पकिन फर्मेंटेड फिश के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मुई बोरोक, मतलब वही बॉयल करके जो बनाया जाता है ना। तो ये पापा के लिए है क्योंकि आज मंडे है, मेरा फर्स्टिंग है। फर्स्टिंग मतलब मुझे ना आज क्या हुआ पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आज मंडे है। तो मंडे को तो मेरा व्रत रहता है, तो मैंने ब्रेकफास्ट में पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड एंड ब्लैक कॉफ़ी ले लिया था। तो मैंने सोचा पूजा तो करनी ही है तो नॉनवेज नहीं खाऊंगी, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया ना, वो कुछ नहीं होता। तो कभी कभी मैं ऐसे सिर्फ वेज खा के भी पूजा देती हूँ, और कभी कभी मैं फर्स्टिंग भी रखती हूँ ऐसे मंडे में ना, मंडे फ्राइडे थर्सडे। तो आज मेरा नॉनवेज खाना नहीं होगा, तो ये सारे नॉनवेज डिशेस मैं पापा के लिए बना रही हूँ। ये है फर्मेंटेड फिश भरता, ये स्पेशल चिल्ली के साथ बनाया गया है, झूम वाले चिल्ली जिसको हम लोग मोशो बिलाती बोलते हैं, बहुत ही तीखा होता है लेकिन भूत झलोकिया से कम। मैं दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं। ये पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तब जो मिलता था मोशो बिलाती एकदम प्योर वाला, एकदम झूम का ऑर्गेनिक, तब और भी तीखा था। अभी तो इसका क्या हो गया पता नहीं, अभी इतना तीखापन है ही नहीं इसमें, वही पहले वाले चीज़ें अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। जैसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा वो था, मीठा तो कम था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वो होते थे ना, डकारे आते थे। अभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पियो, कोका कोला पियो, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी पी सकते हैं अभी। लेकिन पहले का जो कोल्ड ड्रिंक था ना, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब कोल्ड ड्रिंक का वो भी टेस्ट भी अलग था, अभी अलग हो गया। वही ना, दिन ब दिन चीज़ों का यही हाल हो रहा है। ये बन गया पम्पकिन और यहाँ पे मैं खुंजरू पोई ऐड कर रही हूँ। खुंजरू पोई का सीज़न चला ही जा रहा है अभी, तो मैंने इसको क्या किया, ड्राई करके रख दिया, तो इसको ही मैंने यहाँ पे डाल दिया। हर्ब होता है हम लोगों का यहाँ पर, लोकल हर्ब। बस बन गया पम्पकिन। ये चिक पीस मैंने कल बॉयल की थी एंड फिर रात को बनाऊंगी, ये सोच के बॉयल की थी नहीं, पानी में भिगो के रखी थी, रात को बनाऊंगी डिनर में ऐसा सोच के। लेकिन कल डिनर तो दी बाकी वहाँ पे हुआ, तो ये बनाई नहीं गई है। तो फिर इसको मैं क्या करूँ, अभी बॉयल करके रख दिया है, तो इसको मैं क्या बनाऊँ, खुद से एक एक्सपेरिमेंटल डिश बना लेती हूँ, देखते कैसा होता है। तो क्या बता रही थी मैं, तो इसमें मैंने मिलाया है बेसन, सब्ज़ी मसाला जो जो घर में है सारे, और फिर ये कॉर्नफ्लोर, और साथ में जीरा, हल्दी, नमक, और क्या मिलाई थी, बस इतना ही। आमचूर पाउडर होती तो बहुत मज़ा आ जाता है ना, तो इसका मैं वो बना लेती हूँ पहले। और यहाँ पे अभी चिक पीस को ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, और ये हाफ बर्ता बना के खा लूँगी रात में, भाई चटनी बना के, है ना। इसको मिक्स कर लेती हूँ, तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे इसको डाल के देखती हूँ कैसा होता है। अई रामा, अच्छा बन गया। ओह होप सो कि अच्छा ही बनेगा, अच्छा तो दिख रहा है ये,
बनाने। तो लंच बन चुका है एंड मैंने पूजा भी कर लिया है दोपहर का। अभी शाम को जाके फिर से पूजा करनी है और उसके बाद मैं क्या करूँगी पता नहीं। और मैंने आज व्हाइट नेल पेंट किया है जो कि मैं बार बार देख रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अपना फिंगर्स। तो अब बारी है शाम की पूजा की एंड मैंने नहा कर अभी तैयार हो लिया है, मतलब कि तैयार हो रही हूँ। वॉच सारी पहन लिया है मैंने एंड साथ में ज्वेलरी पहन रही हूँ क्योंकि फ़ोटो भी लेना है ना। वो तो आप सबको पता ही है कि पूजा में जब भी बैठती हूँ मैं तो सज सबर के बैठती हूँ और पीक लेती हूँ एंड वही सारे चीज़ें रहता है। और पूजा ख़त्म हो जाने के बाद डिनर बनानी है, फिर डिनर खाने हैं, फिर सो जाने हैं और क्या है ना। फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।